आते आते भैया इतना बज गया है, देखिए 6:30 हो गई और अभी शाम हो चुकी है, कोई इधर दिख नहीं रहे। हाँ ज्यादा भीड़ लगेगी, अभी थोड़ा सा स्टॉल लगी हुई है पूरा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुशहाल होंगे। मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहिए, तभी हमारी वीडियो देखेंगे आप लोग। और आज है ना, अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, 9 बजे से 9 बजने वाली है और मैं आ चुकी हूँ इधर खेत तरफ। देख सकते हैं ये है कितना अच्छा हमारे गाँव का नज़ारा। मैंने सोचा कि चलो सब दिन मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट किया और आज मैं कर रही हूँ अपने सुंदर सुंदर गाँव और विलेज की। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं पुल पे बैठी हुई हूँ और कहीं आई थी बाबू का थोड़ा सा हमें, तो ये है हमारा। तो दोस्तों ये है हमारा गांव का अच्छा अच्छा नज़ारे लोकेशन और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत दिनों से मतलब यहीं हूँ, अभी 2-3 दिन 4 दिन हो चुका है। और ना क्या है ना कि मुझे ना तबीयत खराब ही कल से हो गई है और तबीयत खराब होने के बाद में पूरा मेरा गला नाक ये पूरा ये हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों ना, अगर तबीयत खराब भी है तो काम तो करनी चाहिए ना, ब्लॉग्स लोग तो शूट करनी चाहिए इसलिए। और मैं थोड़ा सा इधर आई थी गांव में, थोड़ा सा हमारी काम थी जो कि बाबू का काम करवाना था, फॉर्म वगैरह निकलवा करके उसको अटैचमेंट करना है, जो कि क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में कम कराना है, शायद आधार कार्ड में कम कराना है, तो वही सब प्रक्रिया कर रहे हैं। तो फिर अभी हम जा रहे हैं घर और हमारे गांव के नज़ारे देख सकते हैं इधर। चलिए इधर ये देखिए, इस तरह से घोरना वगैरह हो रहा है अभी भी। तो पूरा धान हमारे यहाँ रोपा चुका है, रोपा ख़त्म हो गई है, कहीं कहीं रोपा हो रही है और कहीं हो मतलब कहीं कहीं रोपा चल रही है और कहीं कहीं जिसका जल्दी जल्दी में फटाफट बारिश हुई और उनका रोपा डोभा हो गया। तो काफ़ी मैं देरी से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा कि चलो चलती हूँ घर। और यहाँ का देखिए, ये देखिए जो एक बारी हमारी वीडियो गई थी एसी एरिया की था और पूरा लबालब पानी भरा हुआ था और पानी अभी जो अभी पूरा इधर से उधर चला गया है, क्या पूरा ढोढ़ा है ना, ये हम लोग ढोढ़ा ही बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा जो आप लोग ढोढ़ा बोलते हैं, नाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये है हमारा जो, ये देखिए हमारा नहीं है, हमारा खेत आगे है, वो देखिए कुआं वाला सामने है उधर में, यहाँ से दिखेगा वो साइड में जो कि हर साइन का वो पेड़ दिख रहा है उसके ऊपर में, पूरा उधर में हमारा। और यहाँ मैं अभी ना बांध पे चल रही हूँ और हमारे पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जो कि हमारे जो गांव वाले हैं ना भैया लोग, वो घोरना वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कर रही हूँ, क्या क्या गाँव में भी सोचते हैं दोस्तों, तो ये सब इग्नोर करके हमें करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आज का नज़ारा तो देखिए हमारे गांव का इस तरह से सुबह सुबह मॉर्निंग के समय। और चलती हूँ घर, घर में मिलते हैं आपसे। दोस्तों एक बात बता दूँ, क्या है ना गांव मेरा करके ब्लॉगिंग करना बहुत टफ होता है क्योंकि इधर उधर सारे लोग देखते भी हैं, ठीक है देखते हैं, उसके बावजूद भी इग्नोर करके चलना है, मुझे तो काम करना है। आप क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे उससे मुझे फ़र्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैं वहाँ पे ना शॉर्ट वीडियो वगैरह बना रही थी, एक बनाई थी वहाँ बैठ करके पुल के पास में, तो हमें लग रहा था कुछ कुछ सोचेंगे आपको ना, हालांकि गांव में लोग बोलेंगे नहीं मुँह पे लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं ज़रूर, वैसे मुझे लग रहा था। मुझे लगा कि चलो गांव में ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉग डेली वीडियो कैसे बनाए, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई एक ना छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, सुषमा ब्लॉग, ठीक है, तो हम कैसे डेली रेगुलर कंटिन्यू करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। अगर मैं गांव में रहूँ ना तो आप हमें बहुत पसंद करोगे, लेकिन थोड़ी सी बात ये है कि हमें प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं मुझे अप डाउन करना पड़ता है, कभी रांची कभी गाँव में, कभी रांची कभी गाँव में, इस तरह से। तो दोस्तों हम घर आ चुके हैं, घर आने के बाद देख सकते हैं हमारी ना थोड़ा सा आए तो थकने जैसा लग रहा था पैदल आई तो, और आ करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे पंखा के पास। तो हम नहा लिए दोस्तों, नहा करके आ गए, देखते हैं यहाँ खाना पीना है कि नहीं है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा की तरह ऐसे ही हो रहा है।
तो ये खाना निकाल लिए हैं, दाल और चावल, और ये देखिए सब्जी भी ले लूंगी, ऐसे सब्जी निकालती हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नहीं वही पता नहीं कौन सी की सब्जी है ये, मुझे मालूम नहीं, खाने के बाद ही पता चलेगा। रक्सौरी है दोस्तों, रक्सौरी किसको किसको पता है, जो रक्सा का मुरावा बनता है ना। खाना पीना हमारी हो चुकी है दोस्तों, खाना वगैरह खा लिए हैं, चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और गए हैं और समय हो चुके हैं 2, आज मैं बहुत सोई 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 बहुत ज्यादा। और चलते हैं, तैयार वैयार होते हैं, ऊपर कपड़ा डाल दिए हैं और इतना गर्मी लग रहा है कि क्या ही बोले, थोड़ा सा हवा ले लेते हैं। तो हम आ चुके हैं छत पे, छत पे कपड़ा वगैरह डाल दिए थे जो ताकि जल्दी जल्दी हमारा कपड़ा भी सूख जाएगा, वेट कर रहे थे। सबसे पहला हमारा हैंकी था जो कि भाई नाक चल रही, तो हैंकी को तो रात भर इसको भिगो भिगो करके रखे हुए हैं, तो इसको सुबह उठ करके धोए हुए तो हमारा पूरा कपड़ा सूख चुका है। ये देखिए आ गई, कपड़ा वगैरह उठा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर। कपड़ा उठा लिए दोस्तों, चलते हैं नीचे कपड़ा उठा करके, बहुत बहुत ज्यादा। तो तैयार तैयार हो चुके हैं दोस्तों, तैयार होने के बाद में चलते हैं। और इतनी हमारे यहाँ गर्मी है ना पलामू में, बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये देखिए बैग वगैरह तैयार लिए हैं, कपड़ा वगैरह था हमारा, और डाल्टनगंज में जो कि सूट दिए थे उस दिन गए थे, हमारा सूट नहीं। ये देखिए ये पहनती हूँ कैसी दिखती है, ये देखिए। पूरा एकदम 800 ही लगा हुआ है ये चप्पल का। तो चलते हैं दोस्तों घर, बाय बाय दीदी। हमारी दीदी यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, हैं? आए हाय दीदी, आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? बहुत ज्यादा, एकदम गर्मी, पंखा भी टच नहीं हो रही है ना, इतनी गर्मी है। तो चलते हैं, ये देखिए खाना वगैरह बच्चे लोग खा रहे हैं दोस्तों, और मैं चलती हूँ, ज्यादा बातें ना करूंगी, सीधे मिलते हैं। और देखिए इतनी धूप है, अगर मेकअप करूँ ना तो पूरा एकदम फेस पाउडर का भी अपमान होगा भैया, इसीलिए मैंने ऐसे सिंपल ही रही, खाली ओठ लाली को लगा कर जा रही हूँ ताकि होठ अच्छी दिखनी चाहिए। ये देखिए जाते जाते हमारे गांव का नज़ारा देख लीजिए, अभी धूप की नज़ारे देखिए, धूप में कैसे हमारे गांव की दिखती है नज़ारे हमारे घर की सामने वाली। आते आते इतनी गर्मी हुई कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा। और 3 बज गई है तो ऑटो आएगी कि नहीं आएगी समझ में नहीं आता। आ गई भाई, ये देखिए ऑटो भी आ गई। तो यहाँ से गांव से हम निकल रहे हैं डाल्टनगंज की तरफ, और बहुत ज्यादा गर्मी है, बाप रे बाप, लग रहा है कि कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा भैया, कितने हार्ड गर्मी लग रही है, बाबा बोलिए तो बाबा, इतने कितना है भैया अभी बताइए, आपको पापा है कि बाबा है, दादा है, कितना इनको हो रहा है कहीं, और मौत से डर के भाग रहे हैं। 118 पूरा हो गया है, और 19 रनिंग है, 19वां में चल रहा है ना, हाँ 119 चल रहा है, और सब टन टन है ये आँख भी, और हम लोग का आँख अभी भी धुंधला दिखता है, सोच लीजिए बाबा कैसे है, देखिए बाबा कहाँ जाती रहुआ, तब महादेव भी नहीं खे जा रहुआ,
महादेव के पास नहीं जाला? हाँ भोले बाबा के पास। तो हम कपड़ा लेने आ गए हैं, हमारा सूट का कपड़ा तो भाई सिला गया, सूट बहुत अच्छा, और ये पहनेंगे पूजा के समय पहनेंगे रक्षाबंधन पे। इस बारी रक्षाबंधन पे मैं सूट ही पहनूंगी, ठीक है? तो चलते हैं, ले करके रखते हैं, बैग में डालते हैं। ये देखिए कपड़ा हमारा सिला गया है, इस तरह से है, ये कलर है हमारा। हाँ तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से दुकान से दीदी फिर आते हैं, ठीक ना? उस दिन हम आए थे तो आप नहीं थे, खाली तो हम यहाँ पे आ गए अंदर बाजार में, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोबाइल का ये कराना था, टाइम चेंज कराना था, और सेफ्टी के लिए कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और चलते हैं यहाँ दुकान में। यही दुकान से लिए थे हमारा जो अभी जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो भैया हमारा हो चुका है, टैंपर लगवा लिए हैं, और वो प्लास्टिक वाला था तो मुझे डर भी था कि अगर कहीं गिर गया तो फिर हमारा जो डायरेक्ट जो मेन स्क्रीन था उस पर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मुझे लगाना पड़ा। तो लगा करके, और अभी समय हो रहा है 4 समथिंग, तो चलते हैं जल्दी जल्दी हम यहाँ से। तो यहाँ पे बाजार में आ गए हैं, और रक्षाबंधन की दिन तो भाई नज़दीक आ गई है, सारे दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए स्टॉल लग गए हैं, डाल्टनगंज पलामू की स्टॉल इस तरह से है, पलामू डाल्टनगंज मेदनी नगर की, देख सकते हैं इस तरह से बाजारे हैं। और आई हूँ राखी खरीदने के लिए, और मैं गांव भी जाऊंगी अपने मायके में, राखी वगैरह पहुंचा दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये देखिए, और मैं चलती हूँ आगे में, देखिए आगे और ज़्यादा लगा होगा बाजार, तो वहाँ भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम, क्योंकि कितना ज़्यादा मतलब लगा हुआ है। आगे और चलते हैं, यहाँ पे हम एप्पल वगैरह ले रही हूँ। रक्षाबंधन तो भाई 1-2 दिन 3 दिन बाद है, तो इसलिए हम मिठाई नहीं लेंगे, ठीक है? तो हम फ्रूट्स ही ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। ये है, और चलते हैं लेकर के, काफ़ी लेट हो गई है। लेट होने के बाद में भाई पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा राखी वगैरह भी लेना है, ले लेंगे रक्षाबंधन भाई। और तो यहाँ पे हम आए हैं छमुहान पे, बाजार में तो राखी नहीं ली है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे राखी। ये देखिए हमारी राखी, स्पेशल शॉपिंग ब्लॉग होगी हमारी, देख सकते हैं ये है। और पसंद करते हैं कौन सा राखी लेते हैं भाई, भाई के लिए तो राखी लेना पड़ेगा, लेकिन भौजी को दुखी लगेगा, भौजी को दुखी लगेगा, क्योंकि भाई कपड़ा साड़ी वगैरह देना पड़ेगा। भैया और बहन के तो भाई प्यारे गजब है, तो चलिए दुखी हो या सुखी, तो पहले हम ले लेते हैं राखी। तो दोस्तों हम तो राखी ले लिए हैं, और भैया भी बहुत खुश हो गए। का भैया का हलवा हो? ये मालिक अरे मालिक कोई भी हो, अच्छा ना लगेगा, बोला तेरी का हाल बा बताई दूँगा, बिक्री बटा होता है अभी तो पहले आई बानी शॉपिंग कर, तो कहाँ जल्दी ना, जब नजदीक हो तो और ज्यादा बिक्री होगा। हाँ हम ही आए हैं शॉपिंग करने, फ्राइडे तो सैटरडे संडे और मंडे तीन दिन तो शॉपिंग होगा ही। हाँ तीन राखी का मार्केट है। हाँ ज्यादा भीड़ लगे। आ गई हूँ मीठा लेने के लिए, तो मिठाई ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मिठाई ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी सस्पेंस है जाने के लिए। तो ये देखिए मीठा है, मिठाई दुकान में आए हुए हैं। भैया मिठाई दीजिएगा, कैसे केजी? तो यहाँ डाल्टनगंज में इतनी गर्मी है कि क्या ही बोल, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं मिठाई वगैरह ले ली हूँ, मिठाई लेकर के चलते हैं। पता सारा ऑटो ना, सारा ऑटो तो चली गई, अब एक गाड़ी बाकी है जो बस जाएगी, और बस में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वोमिटिंग होती है, बहुत गाड़ी लगती है, तो मुझे बस से जाने को मन नहीं करता है। तो पहली बार मैं आई हूँ, ये देखिए बस स्टैंड। हाँ बरवाडी, बरवाडी की कहाँ है गाड़ी देख लो भैया, यही है बरवाडी की गाड़ी।
चलते हैं, बैठते हैं बस में। बस में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्या ही बोलूं, तो चलो मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा मुझे। मैं घर ही बैठ जाती हूं, अच्छा होगा। ज्यादा दूरी पे नहीं है, बस थोड़ा सा लगेगा, आधा घंटा जैसा चले जाएंगे। डांटिंग जैसे निकल रहे हैं, बस यहाँ निकल गई है और 5:30 बजे, पता नहीं वहाँ कितना बजे, जाते ही जाते रात ही हो जाएगी मुझे लगता है। ये देखिए डाल्टनगंज की तनिष्क, आते आते भैया इतना बज गया है, देखिए 6:30 हो गई और अभी शाम हो चुकी है, कोई इधर दिख नहीं रहे, कोई यहाँ पे दिख नहीं रहे। और मैं चल रही हूँ, मैं बुलाई थी कि आने के लिए, लेकिन कोई आए नहीं है मेरे घर से, अब पता नहीं क्यों नहीं आए। भाभी को बोली थी फ़ोन करके कि आप आ जाना, लेकिन नहीं आई, और ऐसे ही पैदल जाना पड़ रहा है। और पता नहीं जाते जाते हमें ज़्यादा ओवर टाइम हो जाएगा, 7 बज जाएगी, फिर डर भी लगेगा मुझे। देखिए दोस्तों अभी आए हैं, जबकि हम घर पहुँचने वाले हैं। ये लोग का जी आपको पसंद नहीं है का जी कि हम आए, तो खुश नहीं है क्या आप लोग? नहीं तो थोड़ी घर पहुँच जाइएगा, अभी बहुत टाइम है। ए, पूरा बैग टंगते टंगते इधर दर्द हो गया है मुझे, देखिए रात हो गया, इसीलिए मैं ना आती नहीं हूँ। आज भी आने का मन नहीं है। पति देव बोले कि चले जाओ यार, आ गई हो तो हम आ चुके हैं दोस्तों। ये भैया के पास में आए हैं, यहाँ इनका जो उधर से जैसे ही मेन रोड से उतरेंगे इनका घर यहाँ पे पड़ता है, ये अपने वहाँ से पुराना वाला घर से यहाँ अपने घर बनाए यहाँ पे, तो यहीं पे मेन रोड पे तो रुक गए हैं और आ गए हैं। घर आने के बाद में अभी लाइट आया है, तो हम अभी वीडियो शुरू कर रहे हैं। भूख बहुत जोरों से लगा है और 9 बजे लाइट ही आनी है। मैंने बोला कि चलो खाना वगैरह दे दीजिए, और जहाँ जोर से भूख लगा है तो पता नहीं क्या चीज, क्या चीज खुकड़ी है, खुकड़ी, अच्छा खुकड़ी है, मशरूम है। ओहो आइए खा लीजिए। और देखिए दोस्तों हम आए और हमारी तो इतना धुआं लग रहा है ना दोस्तों, जो कोई करना ही नहीं चाह रहा वीडियो, तो मैं खाती हूँ। कौन ऐसा खुकड़ी है बाबू? दोस्तों अभी 12 बज चुकी है, 12 बज गई है और सब लोग सो गए हैं। ये सोया हुआ मैं नहीं दिखा सकती, और सब जैसे तैसे सोए हैं ना, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। तो मैं ऐसी अभी जमीन में बैठ करके लाइव कर रही थी, और भाभी लोग सो गई है, मतलब भाभी सो गई है और मैं इधर, और कल हमें जाना है रांची। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर आप लोग कमेंट करें। आप बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।